आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है, तो फिर ये कैसा विकास है? विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है, वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। बहुत से लोग बिहार के जो लोग हैं इस भारत माला एक्सप्रेस में जो जमीन जा रही है किसान की उससे पीड़ित है और सर लगभग एक साल हो गया हम लोग को धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हुए और हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? बहुत कम दिया। कितना दिया जा रहा है? सर्किल रेट के हिसाब से अगर दिया जा रहा है और विडम्बना यह है सर कि इस बिहार सरकार के द्वारा 13 वर्ष तक सर्किल रेट दिया जा रहा है और किसानों का पता है कि हमको कुछ मुआवजा मार्केट रेट दिया जा रहा है, जो बाजार में कुछ नहीं जा रहा है, अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन मिल जाएगी 50 और कितना मिल रहा है तो हम लोग तो अपने सरकार को दर्शन से मानी सरकार को अवगत करा रहे हैं उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सर हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ आगे जिला का समाप्त हो रहा है वो कि अगर 10 दिन का अगर उसमें आज तो याद रखिए सभी भी आवासीय जमीनों के लिए किसान कोई रुकावट नहीं है विकास न हो, आप जमीन ले लीजिए हम लोग नहीं आंदोलन करेंगे, लेकिन उचित मुआवजा तो दीजिए। मार्केट रेट देने हम लोग तैयार हैं, बाजार रेट तो हमारे बगल में जमीन की सिर्फ नहीं। देखिए जब आपने बोला कि हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं जी, सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है? यह कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है यह इनकम्प्लीट बात है, यह इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है, तो फिर ये कैसा विकास है? सर विकास के नाम पर ही काम किया जा रहा है, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही कहा जा रहा है? नहीं, विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है, वो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं, अंबानी की बात कर रहे हैं, 2-3% लोगों की बात कर रहे हैं? ये तो सबसे पहला सवाल है। मुझे लगता है आज जिस चीज को सरकार विकास कहती है वो विकास नहीं है, वो चोरी है। मार्केट रेट से ज्यादा आपको पैसा मिलना चाहिए था, बिना पूछे आपकी जमीन नहीं ली जानी थी, और अगर आपकी जमीन का 5 साल में प्रयोग नहीं किया गया
तो आपको वो जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये कानून था और ये कानून आपके लिए, किसानों के लिए हमने बनाया था, और इस कानून को नरेंद्र मोदी जी ने रद्द किया और इस कानून को वो इन्फोर्स नहीं करते हैं। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। या आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है, यहां पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहां बना के दिलवाएंगे। तो ये हुई जमीन की बात। दूसरी तरफ जो मैंने आपसे कहा आपको सही रेट नहीं मिल रहा है, गेहूं के लिए, धान के लिए, अरहर के लिए, सब्जियों के लिए जो आपको रेट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्टो में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पूरे देश में लीगल गारंटी एमएसपी के लिए क्रांतिकारी काम है और मैं आपको बता रहा हूं ये पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है कि जो स्वामीनाथन जी ने किया, कहा, उसको हम लागू करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी में हमारे जो इंडिया पार्टनर है उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब भी कांग्रेस पार्टी से किसानों ने कुछ भी मांगा, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो हरी क्रांति हो, हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने आपकी रक्षा की है और हम आपकी रक्षा करने वाले हैं। आखिरी बात, राजनीतिक बात देखिए, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है, सब चीज उनके लिए छी जा रही है, किसान, मजदूर और जो हमारे युवा हैं। अब चुप हो गया, जो हमारे युवा हैं उनको दबाया जा रहा है, उनका ध्यान भटकाया जा रहा है और उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। तेजस्वी जी ने रोजगार के बारे में बोला और जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी जॉब्स हैं बिहार में, उन्होंने उनको भरने की कोशिश की। मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको सबको हम पूरा कर देंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। और आपने युवाओं ने सवाल पूछा अग्निवीर पे, बताता हूं आपको, देखिए अग्निवीर योजना 1,50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए 5 साल मेहनत की, वर्जिश की, ट्रेनिंग की, तैयारी की। अग्निवीर योजना से पहले की बात कर रहा हूं, 1,50,000 युवाओं ने 5 साल मेहनत की और हमारी सेना ने उन्हें एक्सेप्ट किया। सेना का ऑफर 1,50,000 युवाओं को मिला। कोविड आता है, सेना उनसे कहती है देखिए कुछ ही समय में हम आपको आर्मी में ले लेंगे। 3 साल उन्हें आगे पीछे दौड़ाया और फिर अंत में कहते हैं
कि आपको जो हमने वायदा किया था, भर्ती का वायदा किया था, वो हम पूरा नहीं करेंगे। ना आप सेना में आ सकते हो, ना आपको अग्निवीर योजना में जगह मिलेगी। आज तक 150,000 युवा इधर उधर घूम रहे हैं और हमने उनसे कहा है कि देखिए आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपको या तो आर्मी में लेना पड़ेगा या अग्निवीर में लेना पड़ेगा या फिर कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन आपको देना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए आपके साथ खड़ी है और ये लड़ाई हमारी लड़ाई है। देखिए देशभक्ति की भावना करोड़ों युवाओं में होती है। अग्निवीर योजना ने एक नई चीज शुरू की है जो सेना में होगा, अगर वो शहीद होगा तो उसे शहीद कहलाया जाएगा, मगर अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो इसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब दो तरीके के शहीद बना दिए। एक शहीद जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा और दूसरा अग्निवीर का शहीद जिसको शहीद नहीं कहा जाएगा, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए नहीं नहीं समझ रहे हैं, देखिए अग्निवीर क्यों आया मैं आपको बता देता हूं, आप बात समझिए। अग्निवीर योजना में अगर चार युवा आर्मी में जाएंगे तो उनमें से तीन को चार साल के अंदर हटा दिया जाएगा, सही है? एक व्यक्ति को सेना में रखा जाएगा, उसको पेंशन मिलेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद कैंटीन मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा, और जो तीन लड़के हैं उनको वो पकौड़े बेचेंगे, वो पकौड़े बेचेंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर उनमें से कोई शहीद होता है तो उनको कहा जाएगा भैया देखो तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं मिलेगा, मर गए तो मर गए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब ये हो क्यों रहा है आप समझिए, आर्मी का जो बजट है ना, या आप उसको सैनिकों को दे सकते हो या आप उसको सेना के लिए जो खून पसीना देते हैं उनको दे सकते हो या फिर आप उसको अदानी जी को दे सकते हो, सीधी सी बात, या आप एक रुपया इधर डाल सकते हो या फिर उसी रुपये को आप वहां डाल सकते हो। आप देखिए डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, गोला बारूद के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स के कॉन्ट्रैक्ट देखिए, उन सब में आपको अदानी कंपनी दिखाई देगी। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप खोल के देख लीजिए, आपको अदानी जी का नाम दिख जाएगा। अग्निवीर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का डिफेंस बजट हमारे जवानों को ना मिले, उनके पेंशन में ना जाए, उनकी रक्षा में ना जाए, उनकी ट्रेनिंग में ना जाए, मगर अदानी जी की जेब में जाए।
यही किसानों के साथ हो रहा है, यही मजदूरों के साथ हो रहा है, यही सेना के साथ हो रहा है और यही लड़ाई है। अभी भैया सब जानते हैं, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, फिर देखो क्या होता है यहां पे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। मैं आप सबका फिर से तेजस्वी जी का धन्यवाद करता हूं। और आप याद रखिए कि इंडिया गठबंधन किसानों की, जवानों की और युवाओं की रक्षा करेगा। हम एक कदम पीछे नहीं हटने वाले। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और ये काम आप लोग रोज करते हो और इसीलिए हमने ये यात्रा की है। तेजस्वी जी आए, बाकी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता आए, आप सब लोग आए, आपने अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। न्याय का हक मिलने तक।